कटिहार के चांदमारी फायरिंग रेंज की चर्चा सुर्खियों में है। दरअसल 2011 से बंद पड़े इस रेंज को नगर निगम और वन विभाग के सहयोग से नया लुक दिया गया है। बीएमपी के इस फायरिंग रेंज में 1000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यहां पर ट्रेनिंग लेने वाले सिपाहियों ने ये कमाल कर दिखाया है। अब ये फायरिंग रेंज बिल्कुल एवरग्रीन हो चुका है। अब ये रेंज शूटरों के लिए खुला है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में विधान परिषद अशोक अग्रवाल, महापौर उषा अग्रवाल, उप महापौर मंजूर खान के साथ कई अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। ये फायरिंग बट बहुत दिनों से उपेक्षित था, इस पर फायरिंग भी बंद था 2011 से। तो माननीय हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के आलोक इसको नए सिरे से बाउंड्रीवाल किया गया है और इसमें हम लोगों ने आज बाउंड्री के किनारे किनारे नगर निगम, वन विभाग और कृषि विभाग के सहयोग से इस महोगनी का पेड़ लगाया गया है। लगभग 1500 महोगनी के पेड़ और हमारे जवान भी 1500, प्रत्येक जवान पर एक पौधा है। और जब तक ये 3 साल तक जब तक ये लोग रहेंगे इस वाहनी पर, अपने अपने पौधे की निगरानी करेंगे। कितना इलाका है आपका? कितना है? पूरा 13.5 एकड़ जमीन है। पेड़ कितना लगाएंगे? लगभग 1500। ये महोगनी का पेड़ बंदूक के? हाँ, ये महोगनी के पेड़ लगाने के पीछे कॉन्सेप्ट है कि महोगनी जो बंदूक का बट बनता है महोगनी के लकड़ी से ही बनता है। सर, आने जाने के लिए क्या किया गया? नहीं, एक रास्ता जो है यहाँ पर रेलवे की है, जिससे DRM साहब से भी बात हुई है हमारे, तो उन्होंने अंडरपास देने की बात कही है और ये अभी प्रोसेस में है। बाकी जो आम लोगों का रास्ता भी बाधित था और माननीय मेयर के सहयोग से, जो नगर आयुक्त के सहयोग से और हमारे MLC साहब के सहयोग से रास्ता का भी निर्माण हुआ है यहाँ पर बगल से। ये सभी विवाद भी खत्म हो गया और बहुत अच्छे माहौल में पब्लिक के द्वारा भी इसमें पौधारोपण किया गया, वो लोग भी देख रेख करेंगे। मतलब जनता और पुलिस का सहयोग से पुलिस वीक शुरू होने जा रहा है और माननीय पुलिस महानिदेशक के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया।